हेलो एवरीवन, मैं हूं राज। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे अग्रणी ड्राइविंग टेस्ट के संस्थान स्काईवॉल ट्रेनिंग सेंटर में। आज हमारे साथ मौजूद है बीएससी ड्राइविंग टेस्ट के बेस्ट परफॉर्मर, जिन्होंने ड्राइविंग टेस्ट 19 तारीख को दिया और इंटरव्यू भी दिया है, और माना जाता है कि पूरे बिहार में सबसे बेस्ट ड्राइविंग का परफॉर्मेंस लिखा गया है बीएससी ड्राइविंग टेस्ट में। तो आइए मुलाकात करते हैं मिस्टर राकेश कुमार से। राकेश जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले। मेरा नाम राकेश कुमार हुआ, मैं बेगूसराय जिला से बिलोंग करता हूँ और बखरी मेरा घर हुआ परसों। अच्छा, ये बीएससी ड्राइविंग टेस्ट जो हुआ आपका, वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। तो चलो बताइए उसका अनुभव। तो बहुत सुंदर ही रहा है, और यहाँ से जैसा ट्रेनिंग मिला वो सबसे सुंदर रहा है। अच्छा, आपने ट्रेनिंग कहाँ से करा था? इंस्टीट्यूट क्या बना? SKY ट्रेनिंग सेंटर, स्काईवॉल ट्रेनिंग सेंटर से, मतलब हमारे यहाँ से किया। ट्रेनिंग में कुछ खास इंसिडेंट, कुछ खास अनुभव जो आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे? बहुत ढेर सारा अनुभव हमारे पास, ढेर सारा अनुभव। हमने 60 दिन तक यहाँ ट्रेनिंग की, और हमें हर दिन अच्छे से अच्छे चीज को बताया गया और समझाया गया, और हर दिन अच्छे चीज को लिए पॉजिटिव ही सोच हर वक्त बनाया गया। अच्छा, ये बीएससी ड्राइविंग टेस्ट में गाड़ी किस साइड से कितना समय और कितना गियर में निकला था? दोनों लेफ्ट साइड से ही, एक 25 सेकेंड में निकला था, एक 40 सेकेंड में निकला था, दोनों एक मिनट के अंदर निकला। और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट बहुत शानदार गया था आपका। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये उसके बाद इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया था? हाँ, इंटरव्यू भी मेरा कनेक्ट कराया था, लेकिन मेरा गाड़ी जो है एक मिनट के अंदर 3 गियर लेफ्ट साइड से ही निकला, दोनों गाड़ी इंडिगो CS और बोलोरो भी, दोनों एक मिनट के अंदर 3 गियर निकला। अच्छा अच्छा, ये ड्राइविंग टेस्ट कंप्लीट हो जाने के बाद इंटरव्यू कितने देर के बाद हुई? लगभग 2 घंटे बाद हुई। अच्छा, ये इंटरव्यू में जब आप गए थे तो किस तरह के आपके गेटअप थे, मतलब कि आपके लिए किस तरीके से कपड़ा पहना था, और क्या कुछ वैसा कुछ विशेष क्राइटेरिया आपको कपड़ा से रिलेटेड था क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल है। प्लेन पहनिए और फॉर्मल पहनिए, जितना जितना शॉर्ट पहनिए उतना अच्छा रहेगा, जितना इंटरव्यूअर को आप साधारण दिखने में लगे उतना ही अच्छा रहेगा, दिन लोग कपड़ा नहीं पहनना। ये कपड़ा बदलने का मौका मिलता है क्या वहाँ पे? बिल्कुल मिलता है। कितने देर का? 1 घंटा 3 मिनट था। तो इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए थे आपसे, व्यूअर्स को बताइए जरा। ढेर सारे सवाल पूछे गए थे, आपके लोकल DMSP का नाम भी पूछा गया था, आप किस सब्जेक्ट से हैं वो भी पूछा गया था, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो भी पूछा गया था, आप किस क्लास में वो भी पूछा गया था, जैसा आप बोलिए उसका अनुकूल वह क्वेश्चन करता। डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स को, डायरेक्ट क्वेश्चन बताइए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमने बताए थे उपराष्ट्रपति। इसी ढंग का क्वेश्चन हमारा पॉलिटिकल साइंस था, इसलिए हमें राजनीतिक शास्त्र से सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमसे पूछा गया। ओके, तो आपको क्या लगता है कि ड्राइविंग टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आ जाएंगे? ड्राइविंग टेस्ट में 50 में 50 मार्क्स आ जाएंगे। देख पा रहे हैं व्यूअर्स, इनका कॉन्फिडेंस देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये 50 out of 50 सिक्योर करने जा रहे हैं, इतना अच्छा परफॉर्मेंस गया है इनका। और इंटरव्यू में क्या उम्मीद है आपको? 45 मार्क्स मेरा इंटरव्यू में भी आता है। सो व्यूअर्स, देख सकते हो आपकी 100 में 95 सिक्योर करने जा रहे हैं, ये इनका एक्सपेक्टेशन है। अगर ये 95 एक्सपेक्ट करते हैं तो ऑलमोस्ट इसके करीब ही रहेंगे, क्योंकि इनका इंटरव्यू और ड्राइविंग टेस्ट इतना बेहतर गया ही है। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इन्होंने टाइम के अंदर ही सब कुछ करा था ड्राइविंग टेस्ट में, तो ड्राइविंग टेस्ट के मामले में तो कुछ भी इनके ये जो इन्होंने जो कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है, आराम से 50 out of 50 सिक्योर करेंगे ये। और रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में भी इनका अनुमान लगभग सही है। अच्छा, ये स्काईवॉल ट्रेनिंग में जो आपने ट्रेनिंग किया था ट्रेनिंग सेंटर में हमारे, तो उसका अनुभव व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए जरा। देखिए, स्काईवॉल में हमारा ट्रेनिंग 60 दिनों का था, और 60 दिनों में हमें जो चीज़ चाह रहे थे और जितने सहजता से उतने सहजता से हमको मिले, यहाँ का व्यवस्था से, यहाँ का गाड़ी से, यहाँ का सर से, ट्रेन के गार्जियन से, हमको बहुत बड़ा डिफरेंस मिला है, मतलब अपना घर की तरह मिला है। सारा सिस्टम है हमको ऐसा मिला कि कभी हम नहीं सोच पाए कि हम अपने घर में नहीं। यहाँ पे जो बातें बताई गई थी ट्रेनिंग सेंटर में हमारे,
उसके बाहर का कुछ लगा क्या आपके एग्जाम में, वैसा कुछ नहीं? ऐसा तो कुछ नहीं लगा, नहीं लगा ना ही ड्राइविंग में ना ही इंटरव्यू में, कुछ ऐसा नहीं लगा। तो देख पा रहे हो व्यूअर्स कि हम लोगों ने जो ट्रेनिंग उपलब्ध कराई थी इनको, चाहे ड्राइविंग में हो या फिर इंटरव्यू में हो, सारे क्वेश्चंस या फिर सारे टेस्ट उसी फॉर्मेट में थे और उससे बाहर कुछ नहीं पूछा गया। अच्छा राकेश जी, एक और बात बता दीजिए कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में? या बिल्कुल सर, बिल्कुल हम आपके व्यूअर के देना चाहेंगे कि आप यहाँ पर आए एस के वाई ट्रेनिंग सेंटर में और अच्छी तरह ढंग से, बिहार पुलिस हो चाहे बीएसएससी हो चाहे कोई भी ड्राइविंग टेस्ट के संबंधित हो, आवे और टेस्ट दे, चाहे विधानसभा हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, कोई भी ड्राइविंग संबंधित आवे और आप यहाँ आकर के नियुक्त होकर के ट्रेनिंग करें, उनका सफलता निश्चित ही। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। व्यूअर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राकेश जी तो सिर्फ एक है, ऐसे सैकड़ों की तादाद में हमारे पास कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ड्राइविंग टेस्ट को क्लियर किया है पहले भी और अभी करना बाकी भी है। अभी मैं मिलवाता रहूंगा एक एक कैंडिडेट से आप लोगों को अगले वीडियोस में। आप देख पा रहे हैं कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर ने जो भी ट्रेनिंग उपलब्ध कराई, चाहे ड्राइविंग से रिलेटेड हो या फिर इंटरव्यू से रिलेटेड हो, वो सारे हूबहू या फिर उसके आसपास ही क्वेश्चंस रहे हैं। तो अगर आप भी आगे ड्राइविंग के फील्ड में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का क्यों ना हो ड्राइविंग टेस्ट, उससे रिलेटेड अगर ट्रेनिंग करना चाहते हो, अगर नौकरी पक्की चाहिए आपको, तो कहीं भी मत पड़ो, सीधे आओ आप स्काईवर्ल्ड ट्रेनिंग सेंटर में, क्योंकि हम है भारत के सबसे अग्रणी संस्थान और इस बात का सिर्फ दावा नहीं करते, करके दिखाते हैं और हमारे कैंडिडेट्स ने करके दिखाया। थैंक यू वेरी मच। Fuck what you heard, go hard, get busy.